अरुणिता के साथ वक्त बिताना चाहते थे पवनदीप। पवन ने अरुणिता से मिलने के लिए पूरी तैयारियां भी कर ली थी, लेकिन अचानक से पवनदीप की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हाँ, पवनदीप इस बार अरुणिता का जन्मदिन खास अंदाज में सेलिब्रेट करने की तैयारियां पूरी कर चुके थे। वो अपनी पसंदीदा दोस्त के लिए कुछ ऐसा करने वाले थे कि शायद उसके बारे में अरुणिता ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पवन अपनी अरु का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। जी हाँ, 18 जनवरी को अरुणिता कांची लाल का जन्मदिन है, यानी सिर्फ 4 दिन बचे थे जब पवन को उनके जन्मदिन पर खास सरप्राइज देना था। पहले तो पवन अरुणिता के जन्मदिन पर उनके घर जाकर उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन जब उनके एक एक करके सारे प्रोग्राम कैंसिल होते चले गए तो पवन ने मुंबई में अरुणिता का जन्मदिन सेलिब्रेट करने की तैयारियां की। लेकिन अब मुंबई में भी पवन अरुणिता के साथ वक्त नहीं बिता पाएंगे, बल्कि वो अरुणिता के साथ उनका जन्मदिन सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से दोनों अपने अपने घर जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि पवन ने इस बार अरु के जन्मदिन की ढेर सारी तैयारियां की थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब 18 जनवरी को पता चल पाएगा कि अरुणिता का जन्मदिन पवन कैसे सेलिब्रेट करेंगे। पवनदीप उस दिन भी अरुणिता को सरप्राइज देने उनके घर जा सकते हैं। पवनदीप राजन की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि नेपाल में परफॉर्मेंस से पहले पवनदीप एक नाइट क्लब गए थे और यहाँ इन्होंने महफिल ही जमा कर दी। जी हाँ, रात की चांदनी में पवन ने अरुणिता का जिक्र करके महफिल बना दी। वो अरुणिता का जिक्र करके थोड़े इमोशनल भी हो गए। पवनदीप ने क्लब में एक से एक रोमांटिक गाने गाए, जिसमें एक गाना था तेरा जिक्र हो रहा है। ये गाना गाते वक्त पवनदीप अरुणिता को याद करके इमोशनल हो गए और उनके गानों से ऐसा लग रहा था कि वो अरुणिता को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। जी हाँ, अरुणिता को मिस करते करते पवनदीप इमोशनल हो गए। उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल जरूर थी, लेकिन आंखों में उनका अकेलापन साफ दिख रहा था। दिल उनका बार बार अरुणिता को आवाज लगा रहा था। पवन अरु दोनों को नेपाल जाने का ऑफर आया था, लेकिन पवन ने बीमारी को नजरअंदाज करके नेपाल जाना ठीक समझा। हालांकि वहां जाने के बाद नेपाल वाला प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया। अभी तक इनकी नई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पवन ने जानबूझकर अरुणिता को नेपाल जाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते कि बीमारी ने उनके दो दोस्तों को घेर लिया है और उन तक भी पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी पवन ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर नेपाल जाना ठीक समझा और अरुणिता को वापस घर जाने को कहा। अरुणिता इस वक्त कोलकाता में अपने घर पर है। 19 जनवरी को भी यूके में इनका प्रोग्राम होने वाला है, इसमें पवन अरु दोनों को जाना होगा। लेकिन अगर ऐसा ही माहौल रहा तो पवन अरु का ये इवेंट भी कैंसिल हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 19 जनवरी को पवन अरु एक साथ दिखाई देंगे? पवन अरु के बीच ये प्यार नहीं तो क्या है, ये तो आप ही बताइए। जी हाँ, इतने नजदीक आने के बाद भी पवन अरु बोल रहे हैं कि हम दोस्त हैं। आज फिर हम आपको एक ऐसा सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप सब इनके प्यार वाले रिश्ते को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे और अफवाह नहीं मान सकते। जी हाँ, इस बार अरुणिता ने खुलेआम पवन की जैकेट के साथ प्यार जताया। जी हाँ, पवन अरु इस वक्त हिमाचल में एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कल रात इन्हें एक नाइट क्लब में परफॉर्मेंस देते देखा गया था। इस परफॉर्मेंस से पहले ये वहाँ के कुछ फैंस से मिले, उन सभी ने इनके साथ ढेर सारी फोटो क्लिक करवाई। तभी फोटो में इनकी पोल खुल गई और इनके प्यार भरा रिश्ता सामने आ गया। जी हाँ, अरुणिता पवन की जैकेट पहने नजर आई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार अरुणिता पवन का सामान शेयर करती दिख चुकी है और पवन भी अरुणिता का सामान शेयर कर चुके हैं। इस बार तो अरुणिता ने खुलेआम पवन की येल्लो वाली जैकेट के साथ प्यार दिखाया। एक फोटो में अरुणिता, पवन और एक शख्स नजर आ रहा है। इस वक्त अरुणिता ने जो जैकेट पहन रखी है वो पवनदीप की है और पवनदीप इस जैकेट को गोवा वाले इवेंट में पहन चुके हैं। अरुणिता को पवन की ये जैकेट इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे हमेशा के लिए अपने पास रख लिया और वो इसे पहनकर फोटो भी शेयर कर चुकी है। हालांकि इस वक्त दोनों हिमाचल में और मनाली में ज्यादा ठंड होने की वजह से अरुणिता की हालत खराब हो रही थी, जिसके बाद पवन ने उन्हें वही वाली जैकेट पहनने को बोला।
इवन अपने हाथों से ही उन्होंने अरुणिता को वो जैकेट पहनाई। इससे पहले भी अरुणिता उत्तराखंड पवन के साथ जब गई थी तब भी वो मंदिर के बाहर पवन की एक दूसरी जैकेट पहने नजर आई थी। अब ऐसा तो नहीं कि हर बार अरुणिता अपनी जैकेट भूल जाती हैं, बल्कि उन्हें पवन के साथ शेयरिंग और केयरिंग करते अच्छा लगता है। तो आप ही बताइए, इनका रिश्ता प्यार से आगे पहुँच चुका है या फिर सच में ये दोस्ती में ही है। पवनदीप को बहुत कम हंसते देखा जाता है और जब वो हंसते हैं तो कमाल के लगते हैं। फैंस का दिल खुश हो जाता है और सबसे ज्यादा वो अरुणिता से खुश होते हैं। जी हाँ, जब अरुणिता उनके साथ होती हैं तो पवनदीप के चेहरे पर हंसी ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अरुणिता अपने पागलपन वाली हरकतों से पवन को हंसने पर मजबूर कर देती हैं। अरुणिता तो जब भी काम से फ्री होती हैं अजीब अजीब हरकतें करने लगती हैं, हाथ पैर फेंकने लगती हैं, कभी भी, जी हाँ कभी भी, फिर चाहे वो सड़क पर ही क्यों ना हो वहाँ भी वो नाचने में मगन हो जाती हैं। कई बार अरुणिता को सड़क पर अजीब अजीब क्यूट हरकतें करते देखा गया। अब अरुणिता को तो आप मस्त मौला अंदाज में देखते ही रहते होंगे, लेकिन आज हम पवनदीप का नया रूप आपको दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप को बहुत कम मस्त होते स्टाइल मारते देखा जाता है। आज फिर हम आपको पवनदीप के स्टाइल मारने वाली वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप सड़क पर चलते चलते कूल डूड पोज दे रहे हैं, तो कभी शॉपिंग मॉल में बॉल को उंगली पर न जाने में खुश हो रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप ऐसी वैसी एक्टिविटीज करने में बहुत खुश होते हैं। वैसे तो गाना बजाना उनका करियर है, लेकिन वो गेम खेलने में भी बहुत खुश होते हैं। और एक क्लिप में तो पवनदीप कमरे में मस्त होकर स्लो मोशन वॉक कर रहे हैं। वाकई पवनदीप बहुत कूल लग रहे हैं। रेड शर्ट पहने पवनदीप के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और वो हौले हौले एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पवनदीप की इस वीडियो को देखकर कहा जा रहा है कि उन्होंने कमाल कर दिया, फैंस का दिल जीत लिया। जब भी पवनदीप आते हैं तो नए अंदाज में आते हैं, फैंस को ये नया सरप्राइज देते हैं। फैंस इनकी तारीफ करने से थक नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में आप भी इनकी तारीफ तो कर ही सकते हैं। पवन अरुण ने वाकई मध्य प्रदेश में पूरा मंच हिलाकर रख दिया, जनता को खड़े होकर डांस करने पर मजबूर कर दिया। इनके मध्य प्रदेश वाले ढेर सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और आज हम आपको इनकी इन्हीं वीडियोस में से एक मजेदार सीन भी दिखा रहे हैं। जी हाँ, देखकर और सुनकर शायद आप इन्हें कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। अगर आप भी पवन अरुण के फैंस हैं और इनकी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ तो लिख ही सकते हैं, ताकि आपसे इनकी कोई भी वीडियो चूक ना पाए। इससे पहले आपने पवन अरुण का इतना मजेदार किस्सा ना सुना होगा ना ही देखा होगा। दरअसल जब ये मध्य प्रदेश में मंच पर गाना गा रहे थे तो पवन अरुणिता से गाने को लेकर कोई जरूरी बात करते। जी हाँ, पवन अरुणिता के कान में उन्हें जरूरी बात बोलते हैं, लेकिन शोर में अरुणिता मगन इतनी थी कि वो पवन की बात सुन ही नहीं पाती हैं। पवन की आवाज सुनकर वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही हैं जैसे सब कुछ उन्होंने सुन लिया होगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जी हाँ, इस वक्त अरुणिता और पवन के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक इसलिए हैं क्योंकि पवन ने अरुणिता से गाने से जुड़ी कोई बात बोली और वो उस बात का पूरा होने का इंतजार कर रहे थे कि अब उन्हें क्या गाना है, कैसे गाना है। पवन इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि अरुणिता उनकी बात सुनकर वैसे ही काम करने वाली हैं, लेकिन अरुणिता भी हंसने में लगी और कोई बात गौर कर ही नहीं पाई। पवन अरुणिता का चेहरा देखे ही जा रहे हैं और उस लाइन के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अरुणिता अपने में ही मगन है, स्माइल दे दी जा रही है। अब पवन समझ जाते हैं कि अरुणिता उनकी बात सुन ही नहीं पाई। जब ये बात अरुणिता को बाद में पता चलती है तो दोनों एक दूसरे पर बहुत हंसते हैं। कैसा लगा पवन अरुण का ये मजेदार वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।